हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लास में। तो अपन ने यहाँ तक जो आपके आइलेट थ्योरम थी उसके कुछ एग्जांपल किए थे, उसके बाद अपन ने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। इसी कड़ी में आज अपन इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। तो आज अपन देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है U equals to sine inverse x की पावर 1/4 माइनस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ये दिया गया है, ठीक है। तो यहां से जब साइन को इधर देखते तो ये साइन u को मान लेंगे z के इक्वल्स टू, और ये बन जाएगा यहाँ से x की पावर 1/4 माइनस y की पावर 1/4 x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। ऊपर x की पावर 1/4 कॉमन, ये बन जाएगा 1 माइनस y अपॉन x की पावर 1/4। यहाँ से x की पावर 1/5 कॉमन, ये बन जाएगा 1 माइनस y अपॉन x की पावर 1/5। 1/5 ये पावर आ गई है। यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 1/4 माइनस 1/5, और ये 1 प्लस y अपॉन x की पावर 1/4, सॉरी 1 माइनस, और ये 1 प्लस y अपॉन x इसकी पावर 1/5। ये दिया है, ये है आपके z बराबर साइन u, ठीक है। इसको लिख लेंगे जब हल करेंगे तो ये x की पावर 1/20, और ये दे देते हैं इसको है y अपॉन x, ठीक है। तो ये है x और y में समघात गुण, ठीक है। तो इसमें जब आइलर थ्योरम लगाएंगे यानी कि x tan z अपॉन tan x प्लस y tan z अपॉन tan y बराबर n, n का मान कितना है 1/20, और z का मान ये 1/20 और इंटू z। यहां से डेल जेड बाई डेल एक्स क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और ये साइन टू, तो जब इसका करेंगे तो ये बन जाएगा डेल बाई डेल यू साइन यू sin u का बन जाएगा आपके पास cos u, और ये del u by del x, ये del z by del x। इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x, और ये इधर भी आ जाएगा x। इसी प्रकार del z upon del y याद कर लेंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास cos u डेल y, जब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y डेल z अपॉन डेल y, और ये y अपॉन cos u और डेल u अपॉन डेल y। इसको दे देंगे यहां पर समीकरण नंबर 1, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। 1 और 2 जब अपन रखेंगे यहां पर इस समीकरण में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर बन जाएगा
x cos u del u upon del x plus y cos u del u upon del y बराबर 1/20 और z का मान sin u। इन दोनों से cos u कॉमन आ जाएगा, ये cos u कॉमन, x del u by del x प्लस y del u upon del y और ये बन गया आपके 1/20 sin u। जब दोनों तरफ cos u से डिवाइड करेंगे तो x del u by del x प्लस y del u upon del y बराबर 1/20 ये sin u upon cos u यानी 1/20 और ये 10। ये है आप, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में अपन देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें दिया है u बराबर साइन इनवर्स x प्लस y अपॉन x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 और बराबर में क्यूब करना है। x del u by del x प्लस y del u upon del y बराबर 1/2 tan u। ठीक है, तो यहां से जब साइन को इधर लेंगे तो ये बताएगा साइन u और इसको ले लेते हैं अपन जेड के बराबर। यहां से x प्लस y अपॉन रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y ये बन गया। यहां से x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + y / x। यहां से रूट x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + √y / x। यहां से z बराबर साइन u बराबर क्या मिल जाएगा x की पावर 1/2 और इसको ले लेंगे पूरे को f y upon x। ठीक है, यहां से ये x और y में समघात कोण है तो जब यहां पर आयलर के थ्योरम लगाएंगे तो उसके अनुसार x del z upon del x प्लस y del z upon del y बराबर n इंटू z, n का मान अपने पास 1/2 और ये z, ये x del z by del x प्लस y del z upon del y। ठीक है, यहां से पहले del z upon del x क्या करेंगे, del z upon del x तो ये del upon del x z का मान sin u तो क्या बनेगा del by del u, क्योंकि sin जो है फंक्शन u का तो u के रिस्पेक्ट में और del u by del x। यहां से sin u का बन जाएगा cos u और ये आपके del u by del x। ठीक है, del z by del x की वैल्यू आ गई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये x इंटू डेल z बाई डेल x ये बन जाएगा आपके x cos u डेल u बाई डेल x। इसी प्रकार y डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y cos u और ये आपके डेल u अपॉन डेल y, इसको ले दो सब्सट्रैक्ट
इसको दे दो समीकरण बी, और ये है इसको दे दो आप समीकरण नंबर वन। जब वन में ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा आपके पास x del z by del x plus y del z upon del y बराबर x cos 2 del u by del x y ये cos 2 del u upon del y, और इधर बन जाएगा 1 by 2 और z का मान sin u cos 2 कॉमन आ जाएगा, तो x del u by del x plus y del u upon del y, और उधर डिवाइड करेंगे तो 1 by 2 ये sin u upon cos u, cos से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा x del u by del x plus y del u upon del y बराबर 1 by 2, और ये आपके हो गया है tan u। ठीक है, इसका मतलब आपके क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे इसी एक्सरसाइज का जो आपके क्वेश्चन नंबर है 7, उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है
स्क्वायर और ये बन गया है डेल वाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करके एक्स से तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स ये बन जाएगा एक्स सेक स्क्वायर यू और डेल यू वाई डेल एक्स, इसको दे दो इक्वेशन ए। इसी प्रकार एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आ गई इसकी वैल्यू। इसको दे देंगे समीकरण नंबर बी। अब इन ए और बी की वैल्यू अपने यहां पे इस दिए गए समीकरण में रखेंगे जो भी अपन ने क्या किया है, इसमें जब रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर इस समीकरण में रखने ये बन जाएगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहां से वैल्यू रखेंगे एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स की तो वो है एक्स सेक स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल एक्स और वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू है वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई और टू और जेड की वैल्यू है साइन जेड की वैल्यू है टेन, तो ये आ जाएगा टेन सेक स्क्वायर कॉम्बिनेशन तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई टू टेन यू और सेक स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये सेक स्क्वायर है, यहां से ये बन जाएगा टू साइन यू अपॉन कोस यू और सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर यू, ए कोस से एक पावर कैंसिल, ये बन जाएगा टू साइन यू इंटू में कोस यू, ठीक है। तो यहां से ये क्या बन जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू बन गई है टू साइन यू कोस यू, ये होता है साइन टू यू। तो यहां पर हमसे ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू होती है वो साइन टू यू के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद में हम आपके अभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट, अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एट। y
ये बन गया है, ये बन जाएगा आपके पास x 1 प्लस y क्यूब अपॉन x क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये है आपके x और y में समघात घन, और कितनी घात का बना है, एक घात का, ठीक है। x और y में समघात घन है और घात है 1, तो यहाँ पर जब आयतन की त्वरण बनाएंगे x del z by del x plus y del z upon del y, तो मान क्या मिलेगा, n into z, n का मान है 1 into z, यहां से अपन क्या करेंगे, अब del z by del x, यहां से del y del x, z का मान e की पावर b, यहां से ये u का फंक्शन है, तो डेल अपॉन डेल u e की पावर u, और ये डेल u बाई डेल x, तो ये बन जाएगा e की पावर u और ये डेल u बाई डेल x। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल z बाई डेल x बराबर क्या बन जाएगा, x e की पावर u और ये डेल u बाई डेल x। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार y del z upon del y, इसका मान क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y e की पावर u del u upon del y। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहां से 1 और 2 इन दोनों को वैल्यू कर देंगे यहां पे इस संख्या में, ठीक है, इसको a दे दो, तो यहां से y del z को x del z by del x and y del z upon del y की वैल्यू जो है वो कहां रखनी है, a के अंदर, समीकरण a में, तो a में रखेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा x e की पावर u del u by del x plus y e की पावर u ये del u upon del y, और ये 1 into z यानी कि e की पावर u, z का मान e की पावर u, यहां से e की पावर u कॉमन आ गया, ये बन जाएगा x del u by del x plus y del u upon del y, और ये आपकी e की पावर, e की पावर u से e की पावर u, ये बन गया 1। तो यहां से x into del u upon del x plus y into del u upon del y की जो वैल्यू आई है आपके वो आ गई है 1। और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर होगी। इस तरह से अपन ने इससे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए हैं, आगे भी अपन जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको करेंगे। अभी देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर दिया है u बराबर हो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y, तो इसमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि x del u by del x प्लस y del u upon del y की वैल्यू जो होती है वो होती है 3। तो देखो यहां से जब दो को इधर लेंगे तो ये बनेगा e की पावर u, इसको ले लेंगे z के बराबर, और ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और x प्लस y, यहां से x की पावर 4 कॉमन, तो ये बनेगा 1 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, यहां से x कॉमन तो 1 प्लस y अपॉन x, ये बन जाएगा x क्यूब 1 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 और 1 प्लस y अपॉन x, ये z बराबर e की पावर u, ये बन गया। तो ये बना है x और y में आपके समघात फलन है, जहां पर ये कितनी घात का है, 3 घात का। तो यहां पर अपन लगाएंगे आयलर्स थ्योरम,
by using Euler's theorem. तो ये होता है x del z by del x plus y del z upon del y बराबर n z. n का मान है 3 और ये z. 3 और z का मान है e की पावर u. अब यहां से del z by del x याद कर लेंगे del z. तो ये क्या है del upon del x, z का मान e की पावर u. u का सीधे अवकलन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल अपॉन डेल यू e की पावर u और ये डेल u बाई डेल x. e की पावर u का अवकलन e की पावर u और ये डेल u बाई डेल x. ये आया है डेल z बाई डेल x के बराबर. इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू डेल z बाई डेल x तो ये बनेगा आपके x की पावर u डेल u बाई डेल x. इसको दे देंगे इक्वेशन 1. इसके बाद में सीधे लिख देंगे अपन इसी तरह से y डेल z अपॉन डेल y की जो वैल्यू है वो आपके बन जाएगी y की पावर u डेल u अपॉन डेल y. ये दे दिया है. इसको समीकरण नंबर 2 और इस वाले को दे दो समीकरण आप a. तो x del z upon del x plus y del z upon del y इनकी जो वैल्यू है वो रखेंगे समीकरण a में. तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा x del z upon del x plus y del z upon del y बराबर यहां से x e की पावर u del u by del x प्लस y की पावर u del u upon del y बराबर 3 e की पावर u. यहां से e की पावर u कॉमन आ गया उधर डिवाइड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा x del u by del x प्लस y del u upon del y की वैल्यू आ गई है आपके पास 3. ये प्रूव करना था यहां पर क्वेश्चन में ये किया गया है. आपके जो क्वेश्चन में दिया गया था वो प्रूव हो रहा है आयलर थ्योरम के उपयोग से. तो अपने आयलर थ्योरम के इस्तेमाल को जाना है कि कैसे आयलर थ्योरम इन क्वेश्चनों में उपयोग में लाई जा रही है. इसी तरह से अपन इसके बाकी बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.